जोड़कर मंदिर बनाने की कला आज की इंजीनियरिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। दे आर सिंपली लर्नर्स टुडे। हम वर्तमान श्री जन्मभूमि अयोध्या अच्छु कर सेवकपुरम पहुंचे छु। श्री राम का परम भक्त श्री जगत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट साधारण संपादक बा महासचिव चंपत राय जी आम सहित अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा। चंपत जी, अर्गस चैनल को स्वागत करता हूँ। आपका जो लड़ाई था, संघर्ष था, उसका परिणाम आज देखने के लिए मिल रहा है। 500 साल के बाद अगर बात की जाए इस साल की रामनवमी की, हर गली ऐसे था, हर मोहल्ला ऐसे था जहाँ पे राम नाम गूंज रहा था, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अयोध्या पूरे राम नाम जप रहे हैं। देखो, आपने एक शब्द एक वाक्य प्रयोग कर दिया, आपने जो लड़ाई लड़ी, ये तो अधूरा शब्द। 500 साल की लड़ाई हिंदू समाज ने लड़ी, असंख्य लोगों ने लड़ी। हां, लगभग 450 साल तक अयोध्या की जनता ने लड़ी, अयोध्या के संत महात्माओं ने लड़ी, अयोध्या के पास पड़ोस के क्षेत्र की जनता, रियासत और छोटे छोटे राजाओं ने लड़ाई, पुरुषों ने लड़ी, महिलाओं ने भी लड़ी, घोड़े पर बैठकर लड़ी, तलवार हाथ में लेकर लड़ी। लेकिन वो लड़ाई अयोध्या जनपद पास पड़ोस के क्षेत्र तक ही सीमित थी। 1983 के बाद इस लड़ाई का विस्तार अयोध्या की सीमाओं से बाहर निकलकर पहले उत्तर प्रदेश में हुआ और 1992-1990 आते आते देशव्यापी विस्तार हो गया। लाखों परिवारों के करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। तो लड़ाई इस समाज की लड़ाई है, किसी एक आदमी की नहीं। सर्वाधिक भूमिका कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी थी, आध्यात्मिक ऊर्जा थी साधु संतों की। सभी संत बड़े नहीं हैं, लेकिन भक्त हैं। मैं कोई गिनती नहीं रखता, कह देता हूं 15,000 से अधिक संतों ने 1983 के बाद जुड़कर इसमें अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, तब ये विजय मिली है। तो ये समाज की लड़ाई थी और इसको हार जीत भी नहीं मानना चाहिए। हिंदू जीत गया, मुसलमान हार गया। मैं इससे कुछ अलग विचार रखता हूं। इतिहास की एक सच्चाई थी कि देयर वॉज ए टेम्पल, इट वॉज डिमोलिश्ड बाई एन फॉरनर इन्वेडर and he ordered to construct a mosque on the same site. They were using the site as mosque, but originally the property belongs to the Lord. इस सत्य को स्वीकार करने में 500 साल लग गए। तो ये एक सत्य की स्वीकारोक्ति समाज ने की, न्यायालय ने की, मुस्लिम सोसाइटी ने भी की, हिंदू ने भी। हम जीत गए, वो हार गए, तो ये अपमान है। फिर आदमी अपमान का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। तो मैं कहता हूं ये नहीं, हार जीत नहीं थी, इट वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रुथ। टेररिस्ट संगठन भी ये बोल रहे हैं कि आप बना रहे हैं, हम तोड़ देंगे। कोई बात, उनको बोलो। आज पूरे देश में जैसे रामनवमी के दिन अयोध्या में माहौल था, पूरे देश में भी ऐसे माहौल था। मतलब हर टाउन, हर राज्यों में, हर क्षेत्र में रामनवमी बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ लोगों में वो जश्न दिखाई दी थी। रामलला के जो जश्न अयोध्या में सीमित था, वो पूरे देश में अभी भर गया है। ये आपको कितना संतुष्टि देता है? अपार संतुष्टि देता है, धीरे धीरे और अधिक बढ़ेगा। ये देश जितना
राम का जीवन समझेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, ये देश उतना ही अच्छा बनेगा, समाज अनुशासित होगा, समाज के लोग अपने घर में अपना व्यवहार राम के अनुकूल करेंगे, परिवारों में सुख शांति पैदा होगी। ये तो होगी तभी जब राम का अध्ययन करोगे, राम की जन्म तिथि पर कोई आयोजन करोगे तो हजार लोग अगर आयोजन करेंगे तो दो चार तो सोचेंगे ये राम कौन थे, राम की क्या विशेषताएं हैं, वो पढ़ेंगे वो लिखेंगे। आजकल राम के जीवन पर अखबारों में विशेषांक छप रहे हैं, आर्टिकल छपते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो उसका असर होता है। ये सब देश के भविष्य के लिए अच्छे लक्षण, बहुत अच्छे लक्षण। एक दौर था जहां जब हिंदू को कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन वो माहौल चेंज हो गया है, फॉरेनर भी कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदी में, हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, राम जी के प्रेम में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो ऐसा है, कन्वर्जन होता है केवल बाहरी व्यवहार का। कोई चर्च में जाता है तो मंदिर में झंडा लगेगा, कोई बाइबल पढ़ता है तो गीता पढ़ने लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बाइबल से विरोध हो गया। हम किसी को भी उसके पूर्वजों से, उसके ब्लड ग्रुप से नहीं तोड़ते। जीवन को अपने अमेरिका का नागरिक भी, इंग्लैंड का नागरिक अपने देश में रहकर अपने परिवार को अगर अच्छा बनाना चाहता है तो भारत के परिवार को देखें, हमारे परिवार के आचार विचार संस्कार को देखें। हमारी धरती के महापुरुषों ने, पूर्वजों ने परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या कहा है उसको सुने और पढ़े। हमारा धर्मांतरण व्यक्ति को अपने पूर्वजों से दूर नहीं करता, पूर्वजों का शत्रु नहीं बनाता, इसलिए हम इसे धर्मांतरण नहीं कहते। अमेरिका के लोग इस्कॉन में जा रहे हैं, यूरोप के लोग इस्कॉन में जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों को नकार रहे हैं। जो लोग चले गए उनको राम की नगरी में, राम की कथा में, राम के जीवन के कैसे वापस लाएंगे, इसके ऊपर कोई आपका प्लानिंग या कुछ काम हो रहा है? लोगों को उनके पूर्वजों की जड़ों से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। लोगों को हम याद दिला रहे हैं, सर्च योर रूट्स, बैक टू द रूट्स, जिस जिसको समझ में आ रहा है। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चर्च और मस्जिद में जाना बंद कर दो, लेकिन तुम ये खोजो तुम्हारे पूर्वज 200-400 साल पहले किन महापुरुषों के अनुयायी थे, किन मंत्रों का जाप करते थे, किन प्रतिमार मूर्तियों की उपासना करते थे, बस उसको समझो और जानो, अपने पूर्वजों को फॉलो करो। भारत का आइडेंटिटी राम जी है, राम जी के बिना भारत का मतलब भावनात्मक तुलना समझ नहीं है। ये बात जो जो अभी तक भी ना समझ रहे हैं उनको लिए कैसे मैसेज आगे आप देंगे? कुछ नहीं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझदार है। हाँ, कोई ना कोई एक ऐसा कारण है जिससे वो न समझने का नाटक करते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनके पीछे शक्ति खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, जो समझ रहे हैं ऐसे लोगों की शक्ति बढ़ाते चले जाए, एक दिन वो भी उसी ट्रैक पर आ जाए। चारों तरफ अभी काम चल रहा है, ड्रेनेज चल रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे का काम चल रहा है, 5 साल के बाद अगर बात करें
तो भगवान राम जी के नगरी अयोध्या कैसे होगा? आपका ड्रीम सिटी जो बोलते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थस्थल ने ये प्लानिंग की है, वो कैसे दिखेगा, कैसे भव्य और दिव्य दिखेगा आगे राम के नगरी? शहर के या शहर तो ना कहा जाए, अयोध्या एक छोटा सा टाउन है। इसके भौतिक विकास, सड़क, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्रेन एक्सेट्रा, इसकी प्लानिंग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने नहीं की है। यहां समाज का इनफ्लो, फुटफॉल निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उन्होंने किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए ये सब प्लानिंग की है, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। रेलवे, रेलवे स्टेशन का प्लानिंग कर रहा है। समाज में धनवान लोग भी आएंगे जिनके पास समय का अभाव है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी हवाई अड्डे का डेवलपमेंट कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट, नया बस अड्डा बना रहे हैं। सड़क के 6 दिशाओं में चौड़ाई कम है वो बढ़ाएंगे, अयोध्या बढ़ा रहे हैं। तो ये प्लानिंग, ये टाउन प्लानर का काम है, हमारा नहीं। हाँ, जो हो रहा है आज, अनेकों लोग उसके कारण अपने को पीड़ित अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी पीड़ा अल्पकालिक। मेरा कहने का मतलब, जो प्राचीन गौरव था उसको कैसे वापस लाया जाए? देखो, प्राचीन गौरव बिल्डिंगों से नहीं होता है। बिल्डिंगें तो टूटती रहती है, बनती रहती, बिगड़ती रहती। उसको वापस लाने में तो बहुत समय लगेगा। अयोध्या में कभी जलकुंड थे more than 100, वो कुंड बहुत खराब स्थिति में, तो गौरव लाने में बहुत समय लगेगा। जिस लोकेलिटी में वो कुंड है, वो लोकेलिटी उस कुंड का महत्व नहीं जानती। पहले उस समाज को भी एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ, आज जो भौतिक विकास है, वो जो यहाँ आएगा उसकी प्रशंसा करेगा, और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, 20-25 साल से अयोध्या के बाहर कहीं नौकरी धंधा करते हैं, वो आएंगे तो शायद उनको अपना घर पहचानने में देर लगेगी। मेरा कहने का मतलब है, जो आप जैसे बता रहे थे, जो कुंड है उनका महत्व लोकल लोग जान रहे हैं, तो बाहर का लोग जब आएंगे उनको, उनके तो पास सब प्लानिंग होगा, एक एक करके हो रहा है। अभी सूर्य कुंड का कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भरत कुंड है, जो जाता है उसको समझ में आता है व्हाट इज इट, उसका डेवलपमेंट होगा, सब हो जाएगा। हाँ, इट मे टेक टाइम। राम जी के मंदिर के अलावा भरत महल है, दशरथ महल है, कई सारे ऐसे महल है, मंदिर है, लगभग बहुत सारे हैं, तो उनका भी रिकंस्ट्रक्शन, रिबिल्ट, मतलब सजा, ये तो उन्हीं को सोचना है जो उस भवन का उपयोग कर रहा है, जो उन मंदिरों के महंत है। रीबिल्ट, रिकंस्ट्रक्ट, मॉडिफिकेशन, ये तो उनको करना है। लेकिन सरकार, उसने कुछ मंदिरों की सूची बनाई है और वो सोच रही है कि कुछ बेसिक जनता की सुविधा के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थान की उपलब्धता के आधार पर उन मंदिरों में किए जाए। मेरे विचार से अयोध्या के 35 या 40 मंदिरों का उन्होंने कोई चार्ट तैयार किया। आप तो पहले ही बता चुके हैं कि 2026 जनवरी 14 को रामलला जी विराजमान होंगे। काम अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो कैसे आयोजन होगा, कैसे भव्य आयोजन होगा, ये सब जानने के लिए भी लोग उत्सुक है। केवल अभी हम भी कल्पना कर रहे हैं कैसा हो पाएगा, उसकी भव्यता कैसी होगी, अभी तो उसका कोई चित्र नहीं उभरा है। बस इतना जरूर लग रहा है
कि शायद सारा हिंदुस्तान प्राण प्रतिष्ठा को आंखों से देखने के लिए उमड़ पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा कोई कल्पना भी नहीं हो रही है। जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए क्या वीडियो जो नहीं आ पाएंगे, दूरदर्शन ने 2020 में भी ANI और दूरदर्शन दोनों ने डायरेक्ट कवर करके सारे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया था, इस बार भी होगा। अगर बात की जाए आपकी आंदोलन संघर्ष की गाथा को, लगभग 40 साल हो चुका है, और कितने ऐसे लोग थे जो अपरिचित हो गए हैं, जिनके बारे में लोगों को भी मैसेज जाना चाहिए। अशोक जी सिंघल जी एक बड़े चेहरे थे उस टाइम, जो लोगों के समझाने के लिए गांव में गए थे, आप उनके साथ जुड़े थे, कितने कष्ट था उस दौर, कुछ ऐसे मेमोरेबल टाइम है जो हमारे साथ? ऐसी कोई खास बात है नहीं, कुछ ना कुछ छूट जाए। अशोक सिंघल बहुत प्रारंभिक जीवन से अत्यधिक मेहनत करने वाले लोगों से, उनकी वृत्तियां आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति थी, वो मौत के मुंह में छलांग लगाने वाले लोग थे, लेकिन जीवन में उद्दंडता नहीं थी। निजी जीवन में बहुत ही पोलाइट थे, वो बड़े व्यवहारिक थे, बिना बताए बिना पूछे 10 बातें सामने वाले की वो समझ लेते थे। दयालु बहुत थे, लेकिन अब उनका मेहनत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम इतना ही है, वो सीखने की बात है। और उन्होंने कभी अपनी लोकप्रियता को राजनीति का साधन नहीं बनने दिया। वो सदैव कहते थे मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूं, निजी जीवन के लिए नहीं। तो जो निजी जीवन के लिए लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, उनको फिर दूसरे रास्ते दिखने लगते हैं, दूसरे रास्तों पर चलने का विचार आता है। अशोक सिंघल तो देश के लिए काम करने वाले लोग थे, महान थे। उनको समझाने के लिए भी वो बहुत कोशिश किए थे, क्योंकि पहले वो उनका मोटिव कुछ और था, फिर वो सबको लाने में एक सूत्र में बांधने में कुछ ना कुछ तो रहता है। जितने अधिक मनुष्य, जितने अधिक मस्तिष्क, उतने अधिक विचार। हर एक आदमी अपने भविष्य के बारे में एक जैसा नहीं सोच पाता। दूरदृष्टि सबकी अलग अलग रहती, तो अशोक जी की दूरदृष्टि सबसे कुछ अलग थी, भिन्न थी, और सब लोग उनकी बात मान भी लेते थे, इसलिए सफलता पर सफलता मिलती चली। आपके माइंड में कब आया था कि राम आंदोलन में शामिल होंगे? बचपन से ही था या किसी से मोटिवेट हुए थे? आप कैसे जुड़े थे आप? विषय इतना ही था, भाई ये ढांचे से क्या कष्ट है, तीन गुंबदों वाले ढांचे से कष्ट गए, तब ये बात थी। ये तीन गुंबद वाला ढांचा, इट इज नॉट ए मॉस्क, ये तो गुलामी की निशानी है, इट इज सिंबल, ये इन्वेडर की याद दिलाता है। तो सिंबल का जीवन में बड़ा महत्व है। बस मेरा भाषण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम और शाखा में सिंबल पर शुरू हुआ 1985। सिंबल का क्या महत्व है देश में? और मैं बोला करता था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तिरंगा एंड यूनियन जैक, बोथ आर द सिंबल। एक स्वतंत्र भारत सार्वभौम देश का प्रतीक है, वो उस देश का प्रतीक है, तो प्रतीकों का जीवन में महत्व है। तो इट इज नॉट ए मॉस्क, इट इज ए सिंबल ऑफ सेलेब्री इन्वेजन, इसलिए उसको यहां से जुड़ते चले। 1885 कि अभी राजपथ का नाम चेंज होके कर्तव्य पथ हो गया है, आपको लग रहा है कि सारे जितने ऐसे सिंबल है इंडिया में, भारत के अंदर,
सब भी चेंज होना चाहिए, हमारा मूल्यत्व जो था अपने। देखो दुनिया में एक देश ऐसा है जिसने आजादी प्राप्त की तो पहले उस देश ने चर्च गिरवाया, चर्च के अनुयायी राजा ने चर्च गिरवाया। लोगों ने पूछा क्यों गिरवा रहे, तो उसने कहा ये हमारी पराधीनता याद दिलाता है, इस चर्च में स्वाधीनता का सम्मान नहीं, गिराओ। तो जिनको अपने देश के सम्मान से कोई लगाव रहता है वो बिल्डिंगों के सौंदर्य से संबंध नहीं रखते। बिल्डिंग सौंदर्य नहीं, बिल्डिंग बताती किसने बनवाया, कब बना, तब तुम कहां थे, तो हमें हमारी गुलामी याद दिलाता। इसलिए बहुत कुछ हटाना होगा। हाँ लेट टाइम का अभी ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है राम जन्मभूमि पे, जो पूरे 3 फ्लोर बनेगा तो 2024 में होगा, हो पाएगा सब या 25 तक खींचेगा, ये फ्यूचर है, कंस्ट्रक्शन है, मालूम नहीं क्या परिस्थितियां पहले। अबे ये सोचा तो यही अगले साल राम जन्मभूमि मंदिर अगर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मनाया जाएगा। सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, फ्यूचर में हम कुछ नहीं कह सकते, कोशिश है, कोशिश। कितने घंटे आप जाते हैं काम देते हैं? आज सवेरे से नहीं गया, जरूरत होती जाते हैं, जरूरत होती नहीं जाते, लेकिन दिन भर जो भी करते हैं वो जन्मभूमि के लिए सोचते हैं, उसी के लिए करते हैं। अपन शुणुले आम सहित थे राम जन्म तीर्थक्षेत्र ट्रस्टर महासचिव साधारण संपादक चंपत राय जी, अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा से आमको कहले, अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा विषय टिप्पणी मध्य कले, देशर गुलामी सबु चिन्ह हटवा उचित और श्री राम जन्मभूमि पूरा जो परिसर रही भव्यता पुणी थे फेर, दिव्यता पुणी थे फेर, लोक पाखक पुणी थे से राम जो चरित्र रही, राम जो कथा रही, राम जो गाथा रही लोकों पाखे पहुँच, ए आशा और विश्वास केवल ना सब सनातन धर्मर लोकंर मध्य रही। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र परिसर कैमेरा पर्सन आदित्य शिल।